दिस इज आराधना एंड मैं हूँ आपकी दोस्त आराधना। और आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए एक बिल्कुल डिफरेंट ब्लॉग, जो कि है एक ऑनलाइन ग्रोसरी हॉल जो मैंने मंगाई है फ्लिपकार्ट से। ऑनलाइन शॉपिंग तो हमारी लाइफ में बहुत ही वैल्यू ऐड करती है। ऐसी कोई भी फैमिली नहीं है जो अब ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करती हो। कपड़े हो, बर्तन हो, घर के शूज हो या मेकअप प्रोडक्ट, हम सभी कुछ अब ऑनलाइन मंगाने लगे हैं। बट जहाँ बात आती है ग्रोसरी की, तो अभी भी बहुत से ऐसी फैमिलीज हैं जो ग्रोसरी पे पूरी तरीके से बिलीव नहीं करती। कुछ लोगों को लगता है कि शायद ये फेक आइटम होते हैं या एक्सपायरी डेट के नियर बाई का प्रोडक्ट आता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन शॉपिंग बहुत समय से कर रही हूँ, बट मैं ब्लॉग आज बना रही हूँ क्योंकि हाँ, मुझे इस पे अब हुआ है ट्रस्ट और मुझे अब 100% बोल सकती हूँ कि जेन्युइन प्रोडक्ट आते हैं और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो एक्सपायरी डेट के पास का सामान आता है। तो मैं अब आपको दिखाऊंगी कि मैंने अब क्या क्या मंगाया है, लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ कि मैंने मंगाया है फ्लिपकार्ट की ग्रोसरी से सामान। फ्लिपकार्ट में एक ग्रोसरी का अलग से आता है ऑप्शन, उसी से मैंने सारा सामान मंगाया है जिसपे मुझे बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट मिले हैं और बहुत ही अफोर्डेबल रेट में, जो कि लगभग 50% या कभी कभी कोई कोई प्रोडक्ट तो उससे भी कम एमआरपी पे मिलता है, जो कि हम लोग को बहुत ही कम दामों पर मिलता है, जो कि हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने फ्लिपकार्ट से क्या क्या सामान मंगाया है। तो चलिए मैं शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले मैंने मंगाई है, ये है राजधानी की तूर दाल। इसकी एमआरपी है 220 रुपये और ये मुझे मिली है 93 रुपीज़ में, जो कि बहुत अच्छी डील है। और मेरा सेकंड प्रोडक्ट है जो मैंने मंगाई है, ये बूंदी, और ये बूंदी है फ्लिपकार्ट सुपरमार्ट की ही ब्रांड की है, ये मुझे मिली है 40 रुपीज़ में। ये है फ्लिपकार्ट का ही एक अपना ब्रांड, ये है फ्लिपकार्ट सुपरमार्ट सेलेक्ट का साबूदाना, ये मुझे मिला है 50 रुपीज़ में। ये मैंने एकदम नया आइटम मंगाया है जो मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, आकाश के रतलामी सेब, जिसकी एमआरपी है 90 रुपीज़ और मुझे पड़े हैं 64 रुपीज़ में। बट ये प्रोडक्ट मैंने पहले कभी यूज़ नहीं किया है, तो ये जब मैं आपको यूज़ करूँगी तो मैं बताऊँगी कि ये प्रोडक्ट कैसा है। और ये है जॉक की कश्मीरी मिर्च पाउडर। और मैंने मंगाया है फ्लिपकार्ट का ही ब्रांड का पोहा, ये भी मुझे मिला है 51 या 52 रुपीज़ में, जो कि है 1 kg का वेट, जो कि बहुत अच्छी डील है, ये भी है 90 रुपीज़ में। और मैंने मंगाया है जॉक मसालों का ही ब्रांड है एक 200 ग्राम का, एक क्यूमिन सीड्स, ये पड़े हैं मुझे 59 या 58 रुपीज़ में। फ्लिपकार्ट की ही एक टी है, ये है 500 ग्राम का पैकेट, जो मुझे मिला है 140 रुपीज़ का और इसकी एमआरपी है 240 रुपीज़, ये भी मुझे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे पड़ा है। और मैं फ्लिपकार्ट पे अब पूरी तरीके से विश्वास करती हूँ, क्योंकि हाँ, मैं इसे काफ़ी लंबे समय से प्रोडक्ट मंगा रही हूँ, इसमें प्रोडक्ट पूरी तरीके से जेन्युइन निकलते हैं और हमें रेट तो नॉर्मल दुकानों से या मॉल से या सुपरमार्केट से काफ़ी कम रेट पे मिलता है, और हम लोग को मिलते हैं 1 रुपीज़ की डील, जिसमें हमें मिलता है 1 रुपये का सामान। जी हाँ, 1 रुपये में भी हम लोग को बहुत अच्छे प्रोडक्ट मिलते हैं, जो कि बिल्कुल भी फेक नहीं होते, बिल्कुल जेन्युइन प्रोडक्ट होते हैं, वो हमें मिलते हैं ऑफर। ये है जॉब की काली मिर्च, ये मंगाई है मैंने 2 पैकेट, ये भी मुझे पड़े हैं 40 रुपीज़ या 49 रुपीज़ में है। और मैंने मंगाए हैं बोरो प्लस के एंटीसेप्टिक सोप, जिसकी एमआरपी है 378 रुपीज़ और ये मुझे मिले हैं 165 रुपीज़ में या 168 रुपीज़ में, क्योंकि करेक्ट प्राइस तो बिल्कुल एग्जैक्ट प्राइस तो मुझे इतने सालों का पूरी तरीके से याद नहीं है, बट हाँ, फिर भी मैं नियर बाई आपको बता रही हूँ और सब में डिस्काउंट मिला है बहुत अच्छा। मैंने मंगाया है फॉर्चून का 1 kg का बेसन, जिसके एमआरपी है 140 रुपीज़ और ये मुझे मिला है 73 या 75 रुपीज़ में, जो कि बहुत अच्छी डील है।
और मैंने मंगाया ये सैनिटरी पैड कॉफी के, इसके MRP है 65 रुपीज और ये मुझे पड़ा है 34 रुपीज का। ये है सतोला का मसाला ओट्स, ये इसके MRP है 202 रुपये और ये मुझे मिला है 165 रुपीज में। और मैंने नेक्स्ट डे जब देखा तो इस ये मिल रहा था मुझे 140 रुपीज में, बट इसमें 24 आवर्स पहले तक आप पार्सल कैंसिल नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये मुझे पड़ा 165 रुपीज़। कभी कभी ये हमें और भी अच्छे रेट में मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी डील है, क्योंकि बाहर हमें इससे सस्ता तो मिल ही नहीं सकता, कभी भी नहीं मिलता है। और मैंने मंगाए हैं ये छोले का पैकेट, ये भी है 1 kg का, काबुली चने का 1 kg का है, 190 रुपीज़ MRP है और ये मुझे मिला है 93 रुपीज़ का। और ये स्पेशली आयु के लिए है मुरक्कू, हाँ ये मुझे हल्दीराम के, ये मुझे शायद 53 रुपीज़ के पड़े, इसमें ज़्यादा डिस्काउंट नहीं, ओनली 3 रुपीज़ का, बट इतने प्रोडक्ट में कुछ तो होते ही हैं जो हमें पूरे रेट पे मिलते हैं। ये है आयु के लिए चकली, इस पर भी ये भी 53 रुपीज़ की है। रेड चिली पाउडर ये मुझे मिली 81 रुपीज़ की, जिसके MRP है 106 रुपये और ये मुझे 81 रुपीज़ की मिली है। ये है जीरा पाउडर, ये 61 रुपीज़ की MRP और ये मुझे मिला है 47 या 49 रुपीज़ में। ये है फॉर्चून का ग्राउंडनट ऑयल, मूंगफली का तेल, ये मुझे मिला है 175 रुपीज़ में, इसके MRP है 240 रुपये और मार्केट में ये 100% 210 या 200 रुपये से बिल्कुल भी कम नहीं मिलता, क्योंकि मैं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही शॉपिंग करती हूँ, इसलिए मुझे दोनों के ही रेट का पूरा आइडिया है, क्योंकि बाहर नहीं मिलता है। ये एक और है इमामी का रिफाइंड ऑयल, ये मुझे मिला है 163 या 165 रुपीज़ में। ये है मैगी और ये है हल्दीराम के चना क्रैकर्स चटपटा मसाला, ये मुझे मिला है 47 रुपीज़ का, इसमें भी कोई खास डिस्काउंट नहीं है, बट वही बात सेम कि इतने प्रोडक्ट में कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें कम डिस्काउंट मिलता है, बट इट्स ओके, बाकी सब में मुझे बहुत अच्छा डिस्काउंट मिला है। और मैंने मंगाई है फ्लिपकार्ट सुपरमार्ट की ही सूजी, ये 1 किलो का पैकेट है, जो कि मुझे मिला है 34 या 36 रुपीज़ का। ये पैकेट मैंने 2 मंगाए थे, जो मैं 1 यूज़ कर चुकी हूँ। और ये है यूनिबिक के बिस्किट, ये मुझे मिले हैं ओनली 65 या 68 रुपीज़ में। ये बहुत अच्छे बिस्किट होते हैं, आप भी यूज़ करिएगा, ओट्स के हैं। और मैंने मंगाए हैं ये 2 क्लासिक के हींग, जो कि मुझे 1 पड़ा 34 का और 1 पड़ा 31 रुपीज़ का, क्योंकि ये मैंने सामान 2 शिफ्ट में मंगाया था। और ये है बजाज का ऑयल, इसकी MRP है 140 रुपीज़ और ये मुझे पड़ा है 75 रुपीज़ का। और एक ये है पिल्सबरी का पैनकेक मिक्स, ये इसके MRP 59 रुपीज़ और ये मुझे मिला है ओनली 90 रुपीज़ में, है ना धमाकेदार डील। और मैंने मंगाया कुछ जूस, ये है प्रिया गोल्ड का ऑरेंज जूस और ये मुझे मिला है ओनली, गेस करिए, इसके MRP है 110 रुपये और ये मुझे मिला है ओनली 45 रुपीज़ में। और इसकी डेट भी ये 2023 तक का वैलिड है, एक्सपायरी है इसकी, इसलिए मैं बोली जितने प्रोडक्ट आते सब जेन्युइन आते, कोई भी नियर बाई एक्सपायरी का प्रोडक्ट नहीं आता है, जैसा कि जो लोग नहीं मंगाते उनको ऐसा लगता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोल्ड ड्रिंक जो 40 रुपीज़ की इसकी MRP और मुझे पड़ी है 30 रुपीज़ की ओनली। और ये है फ्लिपकार्ट का ही फ्लोर क्लीनर, जो कि है 975 ml का, ये पड़ा है मुझे ओनली 75 रुपीज़ का, जिसकी MRP है 200 रुपीज़।
ये भी है ना बहुत धमाकेदार डील, और ये है 202 ml का, 2 लीटर का, सॉरी 2 लीटर की फूड ड्रिंक ट्रीट की है ये। ये पड़ा है मुझे ओनली 53 rupees का। और अब इस डील में जो है सबसे धमाकेदार डील, जो मुझे सबसे अच्छी लगती है, क्योंकि जो सामान हमें मिले सबसे सस्ता वो तो हम लोगों को सबसे अच्छा लगता ही है, क्योंकि ग्रोसरी में एक डील आती है जो हमें पड़ती है ओनली 1 रुपये में, जो हम लोग को 1 रुपये का सामान पड़ता है। तो देखते हैं हम लोग, मैंने मुझे क्या 1 रुपये में सामान मिला है। ये है शुगर, 1 kg शुगर का, ये मुझे पड़ी है ओनली 1 rupees में, है ना बिल्कुल धमाकेदार डील। मुझे ये आशीर्वाद का सॉल्ट ये भी पड़ा है 1 रुपये में, ओनली 1 rupees। फॉर्चून का 1 kg का आटे का पैक, ये भी पड़ा है मुझे 1 रुपये में। और एक ये पैनकेक मिक्स, ये भी मुझे पड़ा है 1 रुपये में। इसकी MRP है 65 और ये शायद 22 रुपये का है। और ये 40 rupees की MRP है। और शुगर का ये पैकेट है 65 rupees का, जो मुझे 1 रुपये मिला है। और मुझे मिला है 1 रुपये में, ये देखिए ये क्या है, बादाम, ये भी मुझे मिले 1 रुपये में। कहीं हमने देखा है 1 रुपये के बादाम का पैकेट 100 ग्राम का, एक बादाम भी नहीं देता है कोई, खैर ये भी है बहुत अच्छी डील। ये सारा सामान मुझे मिला है ओनली 1 रुपये में। ये आपको फ्लिपकार्ट में ग्रोसरी का ऑप्शन आता है, उसमें आता है ऑप्शन कि 1 रुपये की आपको क्या क्या ऑफर मिल रहे हैं। जब आप ये शॉपिंग करेंगे तो जो जो आपके इस टोटल सामान में ऐड हो रहा होगा, जो जो ऑफर, वो सारे ऑफर आएंगे। तो मेरा तो फ्लिपकार्ट के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, और आप में से जितने लोग उससे शॉपिंग करना चाहते हैं बिल्कुल बेझिझक होकर के करिए, क्योंकि हाँ फ्लिपकार्ट पे हमें मिलते हैं बिल्कुल ऑथेंटिक प्रोडक्ट, जो कि बहुत अच्छे मिलते हैं और बहुत ही अच्छे प्राइस पे। तो गाइज अब मैं मिलूँगी आपसे हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, तो प्लीज़ तब तक हमारे नेक्स्ट ब्लॉग का वेट करिए, और मेरे इस सारे ब्लॉग को प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए, और वीडियो को और लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे हमारे न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैप्पी रहिए, खुश रहिए।